कि इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस से बिफोर इंडिपेंडेंस किस तरीके से इवॉल्व हुई, उसके बाद में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिशियंस एंड इवन इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या पॉलिसीज एडॉप्ट की, क्या उनका अप्रोच रहा फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकॉनमी एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ. एंड सो वी विल स्टार्ट विद द प्री इंडिपेंडेंस एरा. सो इफ एज वी हैव रेड इन मॉडर्न हिस्ट्री, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इट ऑल स्टार्टेड विद द बैटल ऑफ प्लेसी, राइट, 1757. सो 1757 में एक वॉर हुआ, डेट इज़ अ बैटल ऑफ प्लेसी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक वहाँ की प्राइवेट कंपनी थी, हु टुक ओवर द गवर्नेंस ऑफ बंगाल, राइट, और यहाँ से उनका रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट हुआ कि यहाँ की पूरी इनकम वहाँ पे ड्रेन की गई. सो डेट वॉज देन डेवलप द थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ. सो एट दैट टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, और जिसका वहाँ पे और यहाँ पे, डेट इज़ यूनाइटेड किंगडम और इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट रहा, उससे बेसिस पे पॉवर्टी जो इरेडिकेशन करना था, ह्यूमन डेवलपमेंट था, उन सब पे क्या क्या इम्पैक्ट रहा. सो वी विल ऑल डिस्कस अबाउट किस तरीके से इकॉनमी इवॉल्व हुई फ्रॉम देन टिल नाउ, राइट, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कोल्ड वॉर होने के बाद अभी किस तरीके से इवॉल्व हुई. सो वी विल ऑल डिस्कस दिस इन टुडेज लेक्चर. यस, सो प्री इंडिपेंडेंस इकॉनमी में हमने जैसे देखा कि ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ अलग अलग पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी, जिनका मेजर एम यही था टू एक्सप्लॉइट इंडियन इकॉनमी, राइट, कि वो ब्रिटिश या यूनाइटेड किंगडम के इकॉनमी को डेवलप करना चाहते थे ऑन द कॉस्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी, बाय एक्सप्लॉइटिंग इंडियन इकॉनमी, इंडिया के रिसोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन बोथ, राइट. सो एट दैट टाइम जो इकॉनमी था वॉज इन कम्प्लीट डिस्ट्रेस, राइट, द इकॉनमिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया वॉज इन कम्प्लीट डिस्ट्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, राइट. अब जैसे मैंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, सो वहाँ पे अब जब उन्होंने जो पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी, वो पॉलिसीज में मेजर यही था कि इंडिया से रॉ मटेरियल्स जो है वो लिए जाते हैं, राइट, इंडिया से रॉ मटेरियल्स है वो परचेज किया जाएगा एट द लोवेस्ट प्राइस, और वो रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाएगा इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन यूनाइटेड किंगडम, राइट, फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया में एट हायर प्राइस. सो यहाँ पे ये साइकिल मेंटेन कर रहे थे कि रॉ मटेरियल्स एकदम लोएस्ट प्राइस में परचेज करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगा वहाँ पे. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा और उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा यूनाइटेड किंगडम का, और फिर वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया में एट द हायर प्राइस, राइट, कि इंडिया को वो इम्पोर्ट करेंगे एट द हायर प्राइस में, इंडिया इम्पोर्ट करता था. सो उससे उनकी रेवेन्यू जनरेट होता था एट द कॉस्ट ऑफ इंडियंस, राइट. सो यहाँ पे इन्होंने रीजंस थे कि कंप्लीट डिस्ट्रेस क्यों था. फर्स्ट रीजन वाज इंडिया वाज सर्विंग अ पर्पस ऑफ डेवलपमेंट नॉट फॉर हरसेल्फ बट फॉर अ फॉरेन लैंड, दैट इज द यूनाइटेड किंगडम, कि इंडिया जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस कर रहा था बाय एक्सप्लॉइटिंग इट्स नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज नॉट फॉर हरसेल्फ, वो खुद के लिए नहीं कर पा रहा था, वो यूनाइटेड किंगडम के लिए कर पा रहा, बिकॉज इट वॉज फॉलोइंग द कॉलोनियल लेगेसी. ये था. अब सेकेंड रीज़न है कि जैसे मैंने बताया कि ये जो ट्रांसफ़र हो रहा था रॉ मटेरियल का वहाँ पे, फिर वहाँ से फिनिश गुड्स जो था वो इंडिया में इम्पोर्ट किया जा रहा था. सो दैट वॉज अ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, राइट, कि ये एक अनइक्वल और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र था जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम को बेनिफिट मिल रहा था और उसमें इंडिया का कोई मोटिव नहीं हो रहा था एज अ बेनिफिट फॉर इन प्लेस ऑफ इकोनॉमिक, सोसाइटी और पॉलिटिकल, उसमें इंडिया का कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा था. अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रिटिशर्स ने जो सोशल सेक्टर है उस पर कभी भी इतना फोकस नहीं किया है. सोशल सेक्टर वॉज अ निग्लेक्टेड एरिया फॉर द ब्रिटिश रूलर्स विच है